साल 2018 में तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी स्टारर एक फिल्म रिलीज हुई थी, नाम था लैला मजनू। उस दौरान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन ओटीटी पर रिलीज होने के बाद इसे कल्ट क्लासिक फिल्म का दर्जा दिया गया। एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर ये तृप्ति डिमरी की पहली फिल्म थी। अब ठीक इसके 6 साल बाद मेकर्स ने दोबारा फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया है। फिल्म 9 अगस्त को सिनेमा घरों में वापसी करेगी। बुधवार को एकता कपूर ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरों को शेयर कर इसकी जानकारी दी। एकता ने जो पोस्ट शेयर किया उसमें फिल्म का पोस्टर, एक हैंड रिटन नोट जिसमें ये बताया गया है कि कौन कौन से सिनेमा घरों में मूवी की स्क्रीनिंग होगी और कुछ बिहाइंड द सीन्स की झलकियां हैं।